सो हेलो एवरीवन, कैसे बच्चों? तो सी सेट 2024 की तैयारी कैसे चल रही? होपफुली अच्छी चल रही होगी, है ना? अच्छी चलनी भी चाहिए, क्योंकि देखो ये टॉप 5 क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ना, जो हमारी तरफ से आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इनको करने के बाद आपको कुछ ना कुछ तो पक्का सीखने को मिलेगा। और मैं तो एक बात कहूँगा, देखो अब अगस्त आ चुका है, अब सही टाइम है, तैयारी शुरू कर लो। बिकॉज अगर आप लास्ट के 2-3 महीनों के चक्कर में रहोगे ना, फिर वही वाला काम ना हो जाए जो पिछली बार हुआ अपने साथ, कि 2023 का जो पेपर था थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है, मानूंगा, हाँ नॉर्मल से थोड़ा मुश्किल था, बट ये ना हो कि सिर्फ सी सेट के चक्कर में आपकी जीएस की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाए। सो ये एक क्रूशल मोमेंट है जो आपको डिसाइड करना है खुद कि कब तैयारी शुरू करनी है। मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, ये आपको खुद को पता होना चाहिए कि अगर चलो, क्योंकि देखो मैथ और एप्टीट्यूड में फ़र्क होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ में फ़र्क है। मैथ एक लॉजिकल थ्रेटिकल चीज़ है, बट एप्टीट्यूड की जब आप बात करेंगे, शॉर्टकट्स की बात होती है। यहाँ पे थ्रेटिकली आप एक्स वाई जेड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कम टाइम में अगर ज़्यादा आउटपुट निकालने तो यही एक बढ़िया तरीका है। समझ आ गई बात? तो इसीलिए अभिमन्यु अग्रसर हुआ है, और हमने क्या किया, हमने ऑलरेडी एक अभी बैच जस्ट लॉन्च किया, जिसकी टाइमिंग्स है, जो डे रूटीन में टाइमिंग है इसकी, वो है 3 से 4:30, 1.5 से 2 घंटे का बैच रहता है। इसमें आधा घंटा हम एक्सटेंड कर देते हैं कि आपके अगर कोई डाउट्स हो। मिनिमम भाई 4 डेज अ वीक क्लास रहती है इसकी, ठीक है। टोटल क्या मिलने वाला आपको, 180+ लेक्चर्स मिलेंगे, कम से कम 180 से ज़्यादा लेक्चर मिल रहे हैं इसके अंदर। कैसे 90 लेक्चर्स तो मिल रहे हैं बेटा आपको, किसके, जो लाइव क्लास हैं आपकी, जिसमें क्या मिलेंगे, 50 क्वांट के सेक्शन लेक्चर्स हैं, 25 आपके लॉजिकल के, और 15 आपके किसके बेटा, इंग्लिश के लेक्चर आपको मिल रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर लेक्चर्स कितने मिल रहे हैं, 15 आपको प्रीवियस ईयर लेक्चर्स मिल रहे हैं आपके, क्लियर है। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन कितने मिल रहे हैं आपको, 50+ आपको क्या मिल रहे हैं, एमसीक्यू सेशंस जो मिलेंगे आपको रिकॉर्डेड तौर पे ऑलरेडी, ठीक है। और 30+ क्या मिल रहा है, लाइव मेंटरशिप सेशन, जिसमें एक से एक आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़िया तरीके से सॉर्ट आउट करके बताया गया। ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे बच्चों काउंसलिंग हुई, उसके बाद इन मेंटरशिप सेशंस को बनाया गया कि कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हो, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, एवरेज टॉप 5। तो एवरेज के बहुत बढ़िया 4 से 5 क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। सो प्लीज़ तैयार रहिए, और आप भी मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है बच्चों। चलिए भाई, क्या दिया है, द एवरेज ऑफ 52, 71, 43, 22 ए एंड बी इज 55, एट द एवरेज ऑफ 42, 45, 49, 51, 42 सी एंड डी इज 53, वट इज द एवरेज ऑफ ए बी सी डी। देखो एवरेज ऑफ ए बी सी डी क्या होगी, ए प्लस बी सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 4, क्या यही होगी बेसिकली अगर देखा जाए। इसका मतलब अगर मुझे सम मिल जाए ए बी और सी डी का, तो मेरा काम खत्म हो गया, इतनी सी बात सोचने वाली थी, ठीक है। देखो एवरेज किस किस की दिए भाई, 52 प्लस 71 प्लस 43 प्लस 22 प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कितना हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक इसके बराबर बेटा 55, यानी ये कितना होगा, देखो 7, 5, 12, 4, 16, 17, 18, 180, 180, 2, 1, 3, 3, 6, 2, 8, 188। सो ए प्लस बी कितना हो गया मेरे पास, 55 × 6 − 188, यानी ए प्लस बी कितना हो मेरा, 330 − 188। सो ए प्लस बी कितना हो गया मेरे पास, 142। तो ए प्लस बी कितना हो गया, 142, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या मेरे पास, अब निबड़ो नेक्स्ट क्या दिया है, द एवरेज ऑफ 42 + 45 + 49 + 51 + 42 + e डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7 डी बी है साथ में, बाय 7 इज इक्वल टू कितना, 53। तो बेटा ये कितना हो गया, देखो 4, 4, 8, 4, 12, 5, 17, 4, 21, 210 + 5, 2, 7, 9, 16, 17, 18, 19, 19। तो ये कितना हो गया, सी
प्लस डी इज इक्वल टू कितना 53 इंटू 7 माइनस ऑफ 229, तो ये कितना होगा 350 प्लस 21 कितना हो गया 371 माइनस ऑफ 229, तो 229 30, ये भी कितना गया 142 करके देख लो, 229 142, अगर डाउट लग रहा है तो कुछ 1 1 7 3, बिल्कुल सही करके देख लिया करो सर, वो आपके लिए बता रहा हूँ, कभी डाउट आए तो, मुझे तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो भाई सी प्लस डी आ गया, अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को यहाँ पुट करना है, तो ए बी कितना है 142 प्लस ए बी कितना 142 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना हो गया 280, 4 डिवाइडेड बाई 4 इज हाउ मच 71, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो कैलकुलेटिव जरूर था बट मुश्किल नहीं था कहीं से भी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चल रहा हूँ मैं, द एवरेज ऑफ 16 नंबर इज 48, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 ऑफ दीज नंबर इज 45 एंड दैट ऑफ लास्ट 7 नंबर इज 53। तो अगर मैं टोटल एवरेज निकालना चाहूँ, मेरे पास क्या है 16 नंबर की कितनी है 48 है, तो ये कितना आएगा 16 चौके 64 640, या ऐसे कर लो 50 माइनस 2 कर लो इसको, 50 माइनस 2 इंटू 16, तो ये कितना आ गया 800 माइनस 32, ये कितना आ गया मेरे पास 768 आ गया, ठीक है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 ऑफ दीज नंबर इज 45, तो 6 इंटू 45 ये कितना हो गया 6 चौके 24, 6 पंजा 30, 270, ठीक है। चलिए द एवरेज ऑफ पहले 6 का इतना एंड लास्ट 6 इज 53, लास्ट 7, तो 7 इंटू 53 ये कितना होगा 371, 7 पंजे 35 350 और 7 21 यानी कितना 371। तो इन 13 नंबर का सम कितना हो गया, सम ऑफ 13 नंबर इज 1641, ठीक है। सो रिमेनिंग सम कितना है मेरे पास, सेवन सिक्सटी एट माइनस 641, ये कितना रहेगा 720, तो 127 रहेगा सर, क्लियर। सो सम कितना रहेगा 127। अब देखो जरा मुझे क्या बोल रहा है वो, अब द सेवंथ एंड द एट्थ नंबर, देखो यहां पे एक सेवंथ नंबर है, यहां पे एक एट्थ नंबर है और यहां पे एक नाइन्थ नंबर है, वो क्या क्या बोल रहे हैं, द सेवंथ एंड द एट्थ नंबर रिस्पेक्टिवली आर 3 एंड 7 ग्रेटर देन द नाइन्थ नंबर, अगर ये p है तो ये कितना जाएगा मेरे पास p प्लस 3 और ये कितना जाएगा p प्लस 7, सो टोटल कितना हो गया मेरे पास 3p प्लस 10 और ये किसके इक्वल आपके पास 127, सो 3p कितना आ गया आपके पास 127 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना 117, तो ये कितना आ गया 39, p की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 39, क्लियर, p आ गया मेरे पास 39। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन मुझे, व्हाट इज द एवरेज ऑफ नाइन्थ एंड द सेवंथ नंबर, देखो नाइन्थ नंबर क्या है मेरा p, सेवंथ नंबर क्या है p प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, सो 39 प्लस 39 प्लस 3 बाय 2 ये कितना हो गया 78, 81 बाय 2 जो कि कितना होता है मेरे पास ऑप्शन नंबर डी 40.5 इज द राइट आंसर, क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी है, इंपॉर्टेंट भी था, क्लियर। चलिए नोट करें फटाफट, नेक्स्ट पे चल रहे हैं। चलो जी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ सम मेंबर्स ऑफ अ क्लब इज 70 kg, मैंने माना इफ 15 मेंबर विद एन एवरेज वेट ऑफ 60 kg ज्वाइन द क्लब और 5 मेंबर विद एन एवरेज वेट ऑफ 90 kg लीव द क्लब, देन द एवरेज वेट ऑफ मेंबर इन बोथ केसेस इक्वल, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द क्लब इनिशियली। देखो मैंने माना शुरू में पी थे, तो इनका टोटल वेट कितना हुआ 70p, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है समझिए, क्वेश्चन कह रहा है अगर 70p है, ठीक है, एक 15 मेंबर विद एन एवरेज वेट ऑफ प्लस 15 × 60, या तो मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, या मैं क्या करूं 70p माइनस ऑफ
विद एन एवरेज वेट ऑफ 90 केजी लीव द क्लब देन द एवरेज वेट ऑफ मेंबर इन बोथ द केसेस इज इक्वल. तो 5 × 90 ऐसा कर दूं ना तब बराबर होगा मेरे पास ये केस. क्लियर? बस अब इसको इक्वेट करना है मेरे पास. बट एवरेज बोल रहा है उसने, तो एवरेज कितना होगा मेरे पास? पी प्लस 15 और यहां पे अगर गए तो पी माइनस ऑफ 5. ये एवरेज है तो कितना हो गया 70 पी प्लस 900 डिवाइडेड बाय पी प्लस 15 इज इक्वल टू 70 पी माइनस 450 अपॉन पी माइनस ऑफ 5. तो प्लीज क्रॉस मल्टीप्लाई करें इनको. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको. तो कितना हो गया पी माइनस 5 इट ऑफ 70 पी प्लस 900 इज इक्वल टू पी प्लस 15 इट ऑफ 70 पी माइनस ऑफ 450. ठीक है, ठीक लिखा है. पी माइनस 5 70 पी प्लस 900 इज इक्वल टू पी 70 पी माइनस 450 इज इक्वल टू पी प्लस. चलो जी, अगर क्लियर लिखा है तो उसको सॉल्व करें. इक्वेशन क्लियर होनी चाहिए बस क्वेश्चन से पहले. ठीक है, तो ये कितना हो गया 70 पी स्क्वायर प्लस ऑफ 900 पी माइनस ऑफ 350 पी माइनस ऑफ 4500 इज इक्वल टू, देखो ये भी कितना गया 70 पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की तो टेंशन नहीं कट गया, माइनस 450 पी प्लस 1050 पी माइनस, देखो 450 × 15 कितना हुआ 4500 × 2250. वैसे लिखा मैंने इसको कि 450 × 10 + 5. ठीक है, माइनस ऑफ 6750. ठीक है भाई, कट गया. तो ये कितना बचा मेरे पास, देखो 350 पी माइनस ऑफ ये कितना बचा 600 माइनस 600 पी बराबर माइनस 6750 प्लस 4500. तो ये कितना हो गया मेरे पास, माइनस काटो 50 पी इक्वल टू कितना 2250. सो पी कितना आ गया मेरे पास 45. क्या पूछा क्वेश्चन में, हाउ मेनी मेंबर्स, मेंबर्स मेरे क्या थे पी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. क्लियर? तो कई बार लंबे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं प्रश्न में, बट पेपर में डरना नहीं है, करना है बस. ठीक है, चलिए देखो, अब इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए मैं कर सकता हूं, जो कि मेरा आंसर 8 आएगा. द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से 61, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट नंबर. देखिए एवरेज हमेशा सेंट्रल नंबर होता है, ध्यान रखिए. ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 63, देन 65, देन 59, देन 57. तो इनका भाई माइनस करके कितना आ गया 8, खत्म बात. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका. चलिए, इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट पर पेपर वॉज 71. ओके, इफ ही वुड हैव ऑब्टेन्ड 35 मोर मार्क्स इन साइंस, मतलब साइंस में कितने 35, 11 मोर मार्क्स इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में 11, 4 मोर मार्क्स इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में कितने 4, तो टोटल कितना हो गया 50 हो गया. ओके, देन हिज एवरेज मार्क्स पर पेपर वुड हैव बीन 76. देखो बहुत आसान क्वेश्चन है. सपोज करो मेरे पास एक ही पेपर होता, मेरे पास एक ही पेपर होता. ठीक है, ये 4 है, मेरे पास एक ही पेपर होता. ठीक है, कि अगर 71 से मैं 76 पे जा रहा हूं, 5 का इंक्रीमेंट है, मुझे कितने का इंक्रीमेंट चाहिए 50 का, पेपर से कितना गुना भाई 10 गुना, तो डेफिनेटली जो सब्जेक्ट है वो भी कितने होंगे 10, क्योंकि अगर एक पेपर में 5 नंबर बढ़े तो 50 किस में बढ़ेंगे 10 पेपर में तो बढ़ेंगे. क्लियर? सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत इजी क्वेश्चन था. ठीक है, चलिए चलिए, नेक्स्ट इज माइक्रो कोर्सेस. आपको अच्छे से पता क्या है,
जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनको तो बताऊंगा ही बताऊंगा, अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा बेटा उसको बता देंगे अभी। अब माइक्रो कोर्सेज एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें आपने क्या करना होता है, आपने पूरा कोर्स ना फोकस करके सिर्फ एक सिंगल टॉपिक को भी आप चुन सकते हैं। वो कैसे मैं आपको फटाफट बताता हूँ, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी स्टूडेंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए चूज एग्जाम सिविल सर्विस एग्जाम सीसेट, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास सारे सब्सक्रिप्शन हैं, सारे वीडियो कोर्सेज हैं, सारे टेस्ट कोर्सेज हैं और सारे माइक्रो कोर्सेज हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको साइड में यहाँ पे जब आओगे दिख जाएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको, देखिए जैसे मैं बता रहा था पॉपअप, यहाँ पे आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं हमारे, ठीक है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं सारे वीडियोज़ को, ठीक है। कॉल भी व्हाट्सएप। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, अब देखो यहाँ पे मैथ एंड मेंटल एबिलिटी जैसे मैं बात करता हूँ आपसे, ठीक है। अब पूरा बंडल 3356 का है, जैसे नंबर सिस्टम की बात करूँ 324 का है ऑलमोस्ट। देखो पिछली बार 23 में 20 से 21 22 क्वेश्चन आए थे, तो ऑलमोस्ट 25% से ज़्यादा पेपर सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम से था, सिर्फ कितने का 324 में अपना नंबर सिस्टम सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिंप्लीफिकेशन 16%, सिर्फ कितने का 114 का, परसेंटेज 9% 167, परमुटेशन कॉम्बिनेशन 125 ऑलमोस्ट 9%, टाइम एंड डिस्टेंस 158, एवरेज 127, नंबर सीरीज 74, लाइन चार्ट 51, रेशो प्रोपोर्शन 145, टाइम एंड वर्क 140, मेंसुरेशन 207, ठीक है, वो भी आपको कंप्लीट है, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ। ऐसे करके हर एक चैप्टर का परसेंटेज का डेटा दिखाया गया आपको। और ऐसा ही अगर मैं बात करूं मेरे पास लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में भी दिया गया है। सो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जुड़े रहिए अभिमन्यु आईएएस के साथ, ताकि सीसेट 2024 अच्छे से क्रैक हो सके बिना किसी डर के। क्लियर, थैंक यू। और बैच शुरू हो चुका है, चलिए, थैंक यू।